So hello and welcome again to our channel Techimoid. Subscribe and like our videos to get more content like this. तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हमारी क्लास 11th की इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस बुक का चैप्टर नंबर 5 डेटा हैंडलिंग. तो हम उसमें ऑपरेटर्स के बारे में समझ रहे थे और आज हम शुरू करने वाले हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स. तो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो किसी भी दो वेरिएबल या फिर दो स्ट्रिंग्स के बीच में रिलेशन क्रिएट करने के काम आते हैं या फिर किसी भी डेटा टाइप में रिलेशन बताने के काम आते हैं. जैसे हमने यहाँ पर अपना शेल ओपन कर लिया और मैं आपको एक एक करके ये ऑपरेटर समझाता हूँ. जैसे हमने लिखा 12 इज ग्रेटर देन 11 तो यहाँ पर ट्रू शो कर देगा क्योंकि ये जो 12 है ये ग्रेटर देन है 11 के. तो ये ग्रेटर देन ऑपरेटर का हमारा काम हो गया. इसी टाइप से हम यहाँ पर लिख सकते हैं 11 इज लेस देन 12 तो यहाँ पर ट्रू शो हो गया है. तो इस टाइप से ये वर्क करता है. उसके बाद लेस देन इक्वल्स टू ऑपरेटर्स में जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12 लेस देन इक्वल्स टू 13 तो यहाँ पर ट्रू शो कर देगा क्योंकि 12 जो है वो लेस देन 13 है. और अगर मैं यहाँ पर लिखूँगा 13 इज लेस देन इक्वल्स टू 13 तो वो यहाँ पर ट्रू शो करेगा क्योंकि 13 जो है वो 13 के इक्वल्स टू है. तो ग्रेटर देन और लेस देन का काम एक जैसा ही है यहाँ पर. और उसके बाद फिर अब हम इक्वल टू ऑपरेटर के बारे में समझते हैं. तो इक्वल टू ऑपरेटर हमने एक जगह पहले भी समझा था, ए इज इक्वल्स टू 45. तो यहाँ पर हम देखिए यहाँ पर हम ए की वैल्यू असाइन कर रहे थे. अब यहाँ पर हमने ए की वैल्यू असाइन की थी और अब हम जो है ये इक्वल्स टू यहाँ पर डबल इक्वल्स टू लगे. तो अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में अंतर ये है कि यहाँ पर हम इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं. बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर से क्या होता है कि किसी भी वैल्यू को हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं. और इसी टाइप से हमारा जो रिलेशनल ऑपरेटर होता है उसमें एक इक्वल्स टू आता है. उसमें हम जैसे यहाँ पर आप लिखना किसी भी LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना चाहते हैं तो उसके लिए हम असाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं. मतलब किसी वैल्यू को आप किसी के बराबर बताना चाहते हैं तो इक्वल टू का यूज़ करते हैं. जैसे हमने यहाँ पर लिखा 12 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू और 12 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 आता है. तो 3 लिखा मैंने तो ट्रू आ गया. अब ये ट्रू इसलिए आया क्योंकि जब 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3 एंड 3 इज इक्वल्स टू 3. मतलब 3 को ये कंपेयर करेगा इससे और ये जब इससे कंपेयर करेगा अगर आंसर इसके जैसा सेम मैच हो रहा है तो ये यहाँ पे ट्रू प्रिंट कर देगा. तो इस टाइप से हमारा इक्वल्स टू ऑपरेटर का यूज़ होता है. और उसके बाद अब हमारा आता है नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर. तो जैसे कि हमने लिखा 12 नॉट इक्वल्स टू 13 तो यहाँ पर भी ये ट्रू प्रिंट कर देगा. देखिए तो इस टाइप से हमारा नॉट इक्वल्स टू ऑपरेटर भी यूज़ होता है. अब इसमें एक और बात बता देता हूँ मैं आपको रिलेशनल ऑपरेटर्स में कि यहाँ पर अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर्स जो होते हैं अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं उनमें भी कुछ डिफरेंस होता है. जैसे हमने स्ट्रिंग क्रिएट करी अपर केस में ए और उसके बाद हमने इसे लेस देन लोअर केस ए बता दिया तो ये यहाँ पर ट्रू प्रिंट करेगा. ये ट्रू प्रिंट इसलिए करेगा क्योंकि हमारे पाइथन सिंटैक्स में जो अपर केस होता है लेटर वो लोअर केस लेटर्स से छोटे होते हैं इसीलिए यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो गया. तो मतलब हमारे पाइथन जो सिंटैक्स होता है उसमें सबसे पहले हमारे आते हैं अपर केस लेटर्स, उसके बाद आते हैं हमारे लोअर केस लेटर्स और उसके बाद फिर हमारे इंटीजर्स वगैरह आते हैं. तो इसीलिए हमारे पाइथन में जो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि अपर केस लेटर इस लेस देन लोअर केस लेटर तो ये यहाँ पर ट्रू प्रिंट हो जाता है. बट अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिखे हैं और उसको स्ट्रिंग से कंपेयर कराएं तो वहाँ पर एरर जनरेट कर देगा. जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ए इज लेस देन 1 2 तो यहाँ पर एरर जनरेट कर देगा क्योंकि वो कोई भी टाइप का रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं कर पाता है स्ट्रिंग और इंटीजर टाइप के डेटा टाइप्स में. तो इसीलिए यहाँ पर एरर शो कर देता है. बट हमें यह समझ के चलना है कि सबसे पहले अपर केस आते हैं फिर लोअर केस और उसके बाद हमारे इंटीजर्स आते हैं. उसके बाद आते हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें डेसिमल जो सिस्टम होता है हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स में वो भी इतना कुछ वेल वर्क नहीं करता है. जैसे मैंने यहाँ लिखा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 और यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्वल्स टू 0.3 तो यहाँ पर प्रिंट होगा फॉल्स. क्यों होगा? अगर हम मैथमेटिक्स में अगर ऐसा करेंगे तो या तो ट्रू प्रिंट होना चाहिए लेकिन ये इसमें फॉल्स क्यों प्रिंट होता है? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो वैल्यू होती है
वो कुछ अलग ही होती है। जैसे मैं आपको प्रिंट करा के दिखाता हूँ इसकी वैल्यू, मैंने यहाँ पर लिखा 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1, तो ये देखिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3 के बाद इतने जीरो छोड़ने के बाद 4 भी आता है, मतलब अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर नहीं चलता, बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू चलती है, इसीलिए यहाँ पर हमारा फॉल्स जनरेट कर देता है। तो इस टाइप से हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स यहीं पर ख़त्म होते हैं। और अब हम आते हैं हमारे आइडेंटिटी ऑपरेटर्स पे। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, इज और इज़ नॉट ऑपरेटर। तो चलिए अब इन्हें भी समझना शुरू करते हैं। तो आइडेंटिटी ऑपरेटर्स में इज ऑपरेटर किसी भी मेमोरी लोकेशन पे या फिर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करने का काम आता है। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे असाइन किया है a=10 एंड b=10। तो अब अगर मैं यहाँ लिखूँगा a इज b तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि a और b की जो मेमोरी लोकेशन है वो सेम है, क्योंकि यहाँ पर हमने इसमें सेम टाइप के इंटीजर फीड करे हैं, तो इसीलिए ये सेम है। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूँ ए इज नॉट बी तो ये यहाँ पर फॉल्स प्रिंट करेगा। तो इस टाइप से हमारे इज और इज नॉट ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं और ये आईडी चेक करने के काम आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आईडी चेक करूँ आईडी ऑफ ए तो यहाँ पर ये आईडी ऑफ ए आ गई, और अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ आईडी ऑफ बी तो आईडी ऑफ बी भी आ गई। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि दोनों की आईडी जो है वो सेम नंबर पे, तो इसीलिए इज ऑपरेटर जो है वो सेम टाइप से, मतलब सेम मेमोरी लोकेशन पे आपका कोई वेरिएबल सेव है, कोई वेरिएबल की वैल्यू कोई सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव है तो उनको कंपेयर करने के लिए इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज़ होता है। तो अब हम इक्वालिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर के बीच में अंतर समझ लेते हैं कि इक्वालिटी ऑपरेटर और इज ऑपरेटर में क्या अंतर है। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि ना यहाँ पर मेमोरी लोकेशन के हिसाब से ये इज नॉट और इज वर्क करते हैं, जबकि ये कोई मेमोरी लोकेशन के हिसाब से वर्क नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम जैसे यहाँ पर प्रिंट कराना चाहे s1, हम यहाँ पर कोई स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं s1 इक्वल्स टू abc, और अगर हम मैंने नीचे लिखा s2 इज इक्वल्स टू इनपुट एंड देन आई राइट इनपुट, तो यहाँ पर इनपुट मांगा। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया abc यानी कि एक स्ट्रिंग एंटर कर दी मैंने abc, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जब मैं s1 को s2 के साथ इक्वालिटी ऑपरेटर से कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है मेरा ट्रू, जबकि अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर s1 इज s2 तो यहाँ पर प्रिंट हो जाता है फॉल्स। तो यही अंतर है इसके s1 और s2 में, मतलब ये जो है सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव नहीं हुआ है ये वाला abc और ये वाला abc, क्योंकि ये कोई स्ट्रिंग जो है ये हमने बाहर से बनाई है तो ये कोई सेम मेमोरी लोकेशन पे सेव नहीं होगी, जबकि ये मेमोरी लोकेशन इसकी अलग होगी। तो यही अंतर है हमारे इक्वलिटी और आइडेंटिटी ऑपरेटर में। तो यहीं पर हमारी वीडियो भी ख़त्म होती है। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए हमारे चैनल को अगर आप ऐसी ही वीडियोस को और देखना चाहते हैं, और हमारे साथ बने रहिए। स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी एंड थैंक यू।